बस टूटी पड़ी है, चूरा हुआ पड़े बर्फ का। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम जॉमसोम। मैं अभी जॉमसोम में हूँ, लोअर मस्टैंग, नेपाल। अभी यहाँ पे सुबह हो गई है, कल का मैं आपको यहाँ का व्यू नहीं दिखा पाया था। अभी मेरे को जाना है मुक्तिनाथ और टाइम हो गया है 7:16। मैं लेट हूँ क्योंकि सुबह यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, अभी भी -3 टेम्परेचर है, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। अब मैं बस अपनी बाइक वाइक निकाल रहा हूँ, गेयर्स मैं नहीं पहन के जा रहा फिलहाल, अभी मैं कैजुअल्स में ही जा रहा हूँ। और क्योंकि वापस मेरे को यहीं पे आना है और सारे गेयर्स उठा के वापस निकलना है अपने जितना भी रास्ता हो पाएगा पोखरा की साइड। तो सबसे पहले चलते हैं मुक्तिनाथ, देर ना करते हुए मैं आपको पहले बाहर का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ का जो टेम्परेचर, यहाँ का जो पानी है, हाथ धोने का भी ऐसा लग रहा है बिल्कुल बर्फ़ गिर रही हो, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड। मैं एक रात भी और सर्वाइव नहीं कर सकता, मेरे को यहाँ से किसी भी हाल में आज निकलना है तो फटाफट से मुक्तिनाथ होके आना पड़ेगा। यहाँ से मुक्तिनाथ है 25 किलोमीटर, कह रहे हैं यहाँ पे लोग कि 1.5 घंटा लगेगा, तो देख लेते जितना भी लगेगा। ये है अभी बाहर का व्यू और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, बाइक उठा रहा हूँ और चलते हैं जल्दी से मुक्तिनाथ। बाइक की हालत देखो। तो अभी बाइक का मैंने सेल्फ मार के देखा है तो वो स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे ठंड की वजह से वो ठंडी हो गई है। अब किक विक मारनी पड़ेगी, सबसे पहले इसको निकालते हैं, किक मार लेते हैं। किक भी फ्री चल रही है। ये नदी फिर से स्टार्ट हो गई है, मतलब चली रही है साइड में, शुरू हो गए हैं फिर से सीन आने और साइड में देख लो अब बर्फ का पहाड़। हर जगह से यहाँ पे नदी बह रही है। बस बर्फ आ गई, बर्फ रोड पे देखो बर्फ। ये देखो पानी के ऊपर आपको बर्फ दिख रही होगी जो कि जम गई है, इतना टेम्परेचर है यहाँ पे कम, सारी देखो पानी के ऊपर ना बर्फ जमी हुई है। व्हाट अ ब्यूटी यार, ठंडा पानी होगा ना यार, कितना माइनस में है यहाँ पे सारा टेम्परेचर, खूबसूरत लग रहा है ये पूरा। ये वाले पहाड़ देखो किस तरह के, इनके अंदर कैसे कैसे छेद छेद से हो रखे हैं, अजीब से ये अपने आप ही कैसे बने हुए हैं ना। ये देखो ये सारा पानी है जो कि बर्फ बन चुका है, अभी जैसे बाइक इसमें जाएगी तो इसमें से ना अलग सी आवाज आती है, ये सारी बर्फ है, पानी यहाँ पे बर्फ बन जाता है रात को सब कुछ। और ऐसा साइड का सीन है, नीचे नदी है, अभी फिसलते बची। और ये रास्ते देखो, अब देखो कितना सुंदर व्यू आ गया है, ये वाला पहाड़ अजीब ही है। GoPro ऑन करने में भी मेरी उंगली ऐसे जाम हो चुकी है कि GoPro ऑन करते हुए भी मेरी उंगली में पता ही नहीं चल रहा कि GoPro ऑन हो गया, बटन दबा भी है कि नहीं। ओ बच गई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर है तो बाइक कभी भी फिसल जाती है, आगे वाला टायर इधर उधर हो जाता है कभी भी इसका, पत्थर आते पत्थर ही है, रोड तो है ही नहीं। चल चल चल, ये जैसे ब्रिज पे रोड है, अगर ऐसा रोड तो कितना मजा ना आ जाए। तो भाई पहली रिवर क्रॉसिंग आ गई है आज की, और नीचे ये पूरी बर्फ की लेयर है, ये देखो हाथ ऐसे ठंडे हो गए हैं कि ग्लव्स भी नहीं पहने जा रहे। ये अभी बर्फ की क्रॉसिंग है, बर्फ ज्यादा स्लिपरी होती है टायर्स के लिए और पूरी
ओहो बर्फ में गया टायर। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ओके। ओ बच गया बच गया बच गया बच गया। हाँ बहुत फिसल चल रही है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे सांस चढ़ रहा है। हाँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे हूँ। हाँ यस ईशान शेर है तू। और ठंड ऐसे दिमाग के अंदर जी टक 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 कर रही है। हाँ सुइयां से चुभ रही है। सारे ब्रिज ऐसे ही है लोहे के पतले पतले। ये खतरनाक स्लश आ गया है यार यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। ये पत्थर है कि बर्फ है? बर्फ लग रही है मेरे को तो। पट 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 बज रही है। बर्फ गीले आ रहे हैं। यहाँ से तो मुश्किल है जाना। उस साइड से जाना। ओहो सारी बर्फ है ये तो। और बीच में पता नहीं है कितना गहरा होगा। भाई साहब कुछ नहीं कह सकता कि कितना होगा। कहाँ से जाऊँ? इधर ये टायर का निशान है। पूरी बर्फ है। कोई और आ रहा है क्या? कोई भी नहीं है इस रास्ते पे तो। देखो कैसे टूटी पड़ी है चूरा हुआ पड़े बर्फ का। कोई रास्ता नहीं है। अगर जूता भी गीला हो गया ना आज तो भाई बहुत दिक्कत हो जानी है। बस यहाँ पे स्लिप ना हो। भाई टायर तो जा रहा है अंदर। ले भगवान का नाम और चला दे यार। ऑल राइट तो यहां से अभी ये बोर्ड लगा हुआ आ गया। राइट साइड है वे टू मुक्तिनाथ और लेफ्ट साइड है वे टू कागबेनी। मेरे को जाना है मुक्तिनाथ और यहां से रोड टर्मैक। वाह ऐसा रोड आ जाए और अब ये यही चलता रहे तो मजा ही ना आ जाए। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है सब। ये चढ़ ही नहीं पा रही। हवा इसको पीछे धकेल रही है। इतनी तेज हवा चल रही है। चल 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 धन्नो। लैंडस्लाइड होके रास्ता एक बंद हो रखा है यहाँ पे तो। चल बेटी ये अभी पूरे रोड पे बर्फ आ गई है। साइड में भी बर्फ है और आगे भी बर्फ है। बर्फ के अंदर से ही जाना है आगे। अभी फिर से बर्फ आ गई। यही सब चले जा रहा है इतनी देर से। हाथ देखो कैसे हो गए हैं। मुश्किल है क्या इसको इंडिया से आना? मुश्किल तो नहीं है। फिर आप ऐसे पूछ रहे हो ये इंडिया से आता है? नहीं इधर का रास्ता इंडिया तो रास्ता ठीक है ना। इधर का रास्ता तो थोड़ा ये है ना। हाँ इसीलिए इसको तकलीफ तो नहीं होगी। तो भाई मेरा गोप्रो ठंड की वजह से पहले ही बिल्कुल डेड हो चुका है। सब कुछ मैंने करके देख लिया नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। इसकी बैटरी वैटरी सब कुछ बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है गोप्रो। और यहाँ पे भी फोग हो गई है और मैं मुक्तिनाथ पहुँच गया। यहाँ से स्टार्टिंग है तो यहाँ से अब सीढ़ियाँ चढ़ के पैदल जाना है वो ऊपर तक। और बाइक मैंने अभी यहाँ पे पार्क कर दिया है। मैंने इस शॉप में रख दिया है। जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। फेस और मेरा मुंह सॉरी दिमाग भी ठंडा हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा। फेस और मेरे हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं। टेम्परेचर यहाँ का -7 और ऊपर जाके अराउंड -9 होगा। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। आई कैन प्राउडली से डैट आई एम दी फर्स्ट यूट्यूबर हु केम मुक्तिनाथ ऑन प्लेटिना। ये जो पत्थर है इन्हें यहाँ पे घर बनाना कहते हैं। मरने के बाद जिससे भी यहाँ पे मुक्ति भगवान का भगवान के यहाँ पे घर मिले मुक्ति मिले इसलिए
इन पत्थर से घर बनाए जाते हैं। और ये भाई यहाँ पे हेलीपैड है। तो यहाँ पे नीचे पानी में भी बर्फ है। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ तो ये प्रवेश द्वार है यहाँ से अंदर जाने का। यहाँ पे इसकी पूरी परिक्रमा लेते हैं और इसको फिर आगे वहाँ पे जाके चढ़ा देते हैं जो पहले मैंने दिखाया था वहाँ। यहाँ सामने इसको चढ़ाना है। ये सारी बर्फ है मेरे लोअर पे जो कि इकट्ठी हो गई है। यहाँ की मैं एक आपको मान्यता बता देता हूँ जो यहाँ पे मानते हैं। ये जो 108 धारा थी, यहाँ पे लोग अगर कोई नहाता है और फिर ये जो पीछे जो दो कुंड है और इनके अंदर अगर स्नान कर लेता है तो उसके सारे पाप वो मुक्त हो जाता है, मतलब अपने सारे पाप से। जब वीडियो बना रहे थे 108 धारा पे तो वहाँ पे मैं गिरा भी, उसके मेरा पैर फिसल गया क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लिपरी था, बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे यहाँ पर भी चोट लगी है और मुँह पर लगी है, पर पता नहीं कि मैं बिल्कुल यहाँ पर सुन्न हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कितनी लगी है, क्या लगी है। यहाँ पर कहीं पर लगी तो है पर पता नहीं कहाँ लगी है। अब कोई बात नहीं, भगवान जो चाहते हैं वो होके रहता है। अच्छा हुआ भगवान का पूरा मत्था टिक गया, सिर पे पूरी शास्त्र धारा सारी पड़ गई, पूरा स्नान हो गया। या तो यहाँ से निकल रहा हूँ और यहाँ से अब मेरे को जाना है जोमसोंग और 9:53 हो गए हैं। मेरे को कैसे भी 11 बजे तक मेरे होटल पे पहुँचना है और अभी मेरे को नीचे भी उतरना है। 11 बजे तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, मुझे पता है 11:30 या 12 बजेंगे फिर मैं वहाँ से निकलूँगा। और वहाँ पर मेरे को अभी जाके पैकिंग भी करनी है, फिर मेरे को पोखरा के लिए भी निकलना है आज ही। तो रास्ते में मिलते हैं या फिर मेरा GoPro अगर चला तो, नहीं तो फिर सीधा जोमसोंग मिलूंगा क्योंकि GoPro डेड पड़ा है और उसकी बैटरी बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है, बिल्कुल जाम हो चुका है। वो कुछ समझ नहीं आ रहा उसको क्या हो गया। और -7 या 8 डिग्री है यहाँ पे। बैक पे भी देखो पानी बर्फ बन गया है यहाँ। ये सोलर कुकर है यहाँ पे, ये पानी वानी गर्म होता है, खाना वाना बनता है, यहाँ पे लोग इसी का यूज करते हैं। फाइनली मैं होटल पे आ गया हूँ और मैंने ये कर दिखाया। आई एम सो प्राउड ऑफ मी। पहली बार किसी ने ऐसा किया होगा कि कोई प्लेटिना पे मुक्तिनाथ गया होगा इंडिया से। रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बहुत ज़्यादा, और हाथ मेरा स्वेल्ड हो चुका है यहाँ से। ये वाला हिस्सा देखो, ये पूरा स्वेल्ड हो गया। अब ये यूँ भी नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और अभी मेरे को आगे बहुत लंबा रूट कवर करना है तो आई होप मेरे को बहुत अच्छे दर्शन हो गए। यहाँ पे भी कुछ चोट लगी है पर कुछ समझ नहीं आ रहा, वहाँ पे जब गिरा था तो थी, बट पता नहीं, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। लास्ट का गुड नोट ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके,
बहुत सही, बहुत अच्छे दर्शन हुए, सारी चीजें हो गई। तो आज के ब्लॉग को इतने रखते हैं, और वहां पे अभी बहुत ज्यादा ठंडी है और अभी थोड़े ही टाइम में पूरा का पूरा स्नो में पूरा ढकने वाला है, पूरा का पूरा। जितना आपको ये दिख रहा था रास्तों से तो भैया नजर ही नहीं हट रही थी, क्या रास्ते थे, मतलब कितनी तेज हवा चल रही थी वहां पे, और वो भैया की बाइक भी खराब हो गई थी वहां पे, और रास्ते इतने, मतलब कि मेन जो वहां पे जो हवा चल रही थी ना वो इतनी ज्यादा स्ट्रोंग थी कि वो बार बार बाइक को धकेल रही थी खाई की साइड, इधर 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 बार बार ऐसे चल रहा था। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था आज का राइड, और अभी बहुत लंबी राइड बची है जो कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, मुक्तिनाथ के अंदर जो मूर्ति है वो विष्णु जी की है, और उसके ऊपर शेषनाग है, लोमसोम से आप पोखरा। ये वाला व्लॉग आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, आपने एंजॉय भी करा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।